इन त्योहारों पर भूषण ज्वेलर्स लेकर आए हैं स्वर्ण समृद्धि योजना जो 10 सितंबर से शुरू है। तो खरीदारी करें और जीतें प्रथम पुरस्कार 2.5 लाख के आभूषण, साथ ही दुबई टूर सहित कुल 101 इनाम। तो चले आए आपके अपने भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार। करतारपुर कॉरिडोर का काम देखने NHA के चेयरमैन ANN ने कहा कि भारत की तरफ से 90% काम पूरा कर लिया गया है और बाकी रहता हुआ काम फिनिशिंग का काम है और तय सीमा 8 नवंबर तक काम पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि यह टास्क काफ़ी कठिन है लेकिन इसे पूरा करना NHA का मकसद है। अब पेंटिंग फिनिशिंग का काम अगले 15 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि बारिश के कारण थोड़ी मुश्किल आई लेकिन काम तय समय में पूरा किया जा रहा है। कहाँ तक काम पहुँचा है और इतना बड़ा टास्क था जो डेट दी गई है, तब तक हो जाएगा पूरा? देखिए अभी लगभग अगर आप परसेंटेज टर्म्स में पूछें तो लगभग 90% काम हो चुका है। 10% काम बचा है, वो भी फिनिशिंग का काम है। जैसे मैं यार 500-600 मीटर और करना है। ये जो अप्रोचेज हैं, अप्रोचेज में DBM और BC का काम करना है। थोड़ा जो पुल बना है, पुल पे जो वेयरिंग कोट होती है वो करनी है, प्लस जो पेंटिंग फिनिशिंग का काम करना है। तो ये 15-20 दिन का काम और बचा है और अभी हम लोग रिव्यू करेंगे। रिव्यू में देखते हैं कितना इन्होंने रिसोर्सेज लगाया है और कितना और लगाना है जिससे कि हम इसको बिल्कुल जो हमने अपने लिए टारगेट रखा उस समय तक इसको पूरा कर सकें। जो टास्क था, समय कम था, टास्क बड़ा था क्योंकि इंटरनेशनल टर्मिनल की तरह ही ये सारा कुछ है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो हमें समय मिला और उसके बाद जो नेचुरल कंडीशंस थी, रेन्स अच्छी खासी हुई और फिर प्लस बीच में एग्रीगेट्स की इश्यूज होने लगी, कई जगह पे ट्री कटिंग परमिशंस मिलने में डिले हुए, और उसके बावजूद हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स और हमारे इंजीनियर्स सब ने मिल के ये पूरे कॉरिडोर के लिए कनेक्टिविटी देने का जो काम इन्होंने किया है बहुत अच्छा है, बहुत ही प्रशंसनीय है।